हाँ जी, तो फ्रेम दुबई तो हमारी हो गई ट्रिप, और उसके बाद हम जा रहे हैं गोल्ड सूक, जहाँ पर सारी गोल्ड की दुकानें हैं। दुबई इज़ ऑल्सो फेमस फॉर गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड की क्वालिटी हो या फिर जो गोल्ड के प्राइसेस हों वो काफ़ी कम हैं, तो वो मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि कैसी मार्केट है, क्या दुकानें हैं एंड क्या प्राइसेस हैं वहाँ गोल्ड के ना। तो सी यू वन नेक्स्ट टाइम। हाँ जी, तो जैसे बताया था आपको पिछली वीडियो में कि हम जा रहे हैं गोल्ड सूक, तो वी आर हेयर एट गोल्ड सूक। ये दुबई की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट है। इसकी खासियत ये है कि मेरे दोनों साइड आप देख सकते हैं, इधर भी और पीछे भी लाइन से ये सारी गोल्ड्स की शॉप है, जहाँ पे ज्वेलरी लोग खरीदने आते हैं, जो ये लोकल लेबिदाती होते हैं या फिर जो इंटरनेशनल टूरिस्ट भी होते हैं, बट उनके लिए लिमिटेशन है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ मेनली होता क्या है कि जो गोल्ड की क्वालिटी होती है ना, वो बहुत ही दुबई की जो गोल्ड की क्वालिटी होती है उसको अच्छा माना जाता है, और साथ ही जो मेकिंग चार्जेस होते हैं, जैसे अगर आप इंडिया में गोल्ड बाई करोगे या किसी अदर कंट्री में, तो वहाँ मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर लोएस्ट मेकिंग चार्जेस है 5 दिरहम, मतलब कि करीब करीब 50-100 रुपये आपके मेकिंग चार्ज लेते हैं ये लोग, तो वो डिफरेंस काफ़ी आ जाता है। इसलिए यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम अंदर मार्केट में जाएंगे और आपको अंदर की मार्केट दिखाएंगे, कैसी शॉप्स हैं यहाँ पर, कितनी शॉप्स हैं और क्या क्या वैरायटी है। ओके, लेट्स गो इनसाइड। तो जी, ये है गेट नंबर 3 से हम एंट्री कर रहे हैं गोल्ड सूक में। मेरे दोनों साइड आप देख सकते हैं, यहाँ बैठने की सीट्स है, बने हैं, और ये पीछे भाई साहब कॉपी वॉचेस बेच रहे हैं, रोलेक्स रेडो की कॉपी। और ये मेरे देखिए दोनों साइड, दिस साइड ऑल्सो, और इस साइड, ये सारी साइड आपको यही दिखेगी गोल्ड की शॉप। काफ़ी लंबी मार्केट है ये, एक इसका राउंड लेते हैं। एज फार एज यू कैन सी, ये सारी गोल्ड की ही शॉप्स हैं। हाँ जी, तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताई थी बात कि ये जो गोल्ड की पूरी मार्केट है, आप मेरे इधर देख सकते हैं, इधर भी, तो यहाँ पर गोल्ड काफ़ी अच्छा और सस्ता अवेलेबल होता है, बट इसकी जो लिमिटेशन से मैंने आपको बताई थी ना कि यहाँ पर कैसे आप यहाँ बाय कर सकते हैं, तो दिक्कत ये है कि यहाँ से अगर आप इंडिया गोल्ड ले जा रहे हो ना, तो उसके लिए लिमिटेशंस हैं क्योंकि इंडियन कस्टम्स से बना रखी है। तो इट्स, अगर मैं सही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में मुझे सही बताना। आई गेस कि अगर आप मेल हो तो 50,000 के वर्थ, 50,000 इंडियन करेंसी के वर्थ आप यहाँ से गोल्ड खरीद कर सक जा सकते हो अपने वापस इंडियन कंट्री में। और अगर आप फीमेल हो तो उसके लिए 1 लाख रुपीज़ तक की आपको जो आप यहाँ शॉपिंग करके वापस ला सकते हो, उसके ऊपर लाने पे ना 36% अप्रॉक्स आई गेस कस्टम चार्ज करती है, अगर आप वहाँ एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हो, और कुछ फाइन्स भी हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो रूल है उसको फॉलो करिए और बिल्कुल यहाँ पे आइए, शॉपिंग करिए, बट लिमिटेशन में रह करके, जो भी हमारी गवर्नमेंट ने लिमिट बनाई हुई है उसको फॉलो करते हुए, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही आपको ये करना है। और मार्केट काफ़ी बड़ी है, अच्छी है, बट ये लिमिटेशन हमें याद रखनी चाहिए, तो और उसको ही अवॉइड करते हुए हमें आगे यहाँ पे शॉपिंग करनी चाहिए।